उपस्थित जो मेरे भाई बहन हैं उनको भी मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम प्रिया पाटिल है और मैं किन्नर माँ ट्रस्ट में एज अ प्रोग्राम मैनेजर काम करती हूँ। और हमारी जो एसोसिएशन है वो ट्रांसजेंडर्स के हेल्थ राइट्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए और उनके मूलभूत अधिकार उनको दिलाने के लिए काम कर रहे हैं हम। और हम लोग स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स हैं जिनमें एजुकेशन नहीं है लेकिन उनमें स्किल्स है, तो उन स्किल्स को निखारने का काम हम करते हैं। और वैसे ही हम लोग ने स्वच्छ भारत मिशन पे भी काम किया है और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमने पालघर के 11 गांवों में 7,500 टॉयलेट्स बांध के दिए हैं और इसका टोटल प्लानिंग का काम भी हमने किया है। और मैं हमारी जो प्रेसिडेंट है सलमा खान, वो खुद एक लोक अदालत की अभी पैनलिस्ट बनी हैं और मैं भी खुद महाराष्ट्र की सबसे पहली ट्रांसजेंडर हूँ जिसने पिछले साल बीएमसी इलेक्शन इलेक्शन में मैं खड़ी हुई थी पिछले साल। और उसके बाद मैं अभी जो भी आज हूँ, जो भी कुछ हूँ, वो शायद सलमा खान की वजह से हूँ। तो जो भी आज मुझे अवार्ड और जो भी कुछ मिला है वो मैं उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो क्या मुझे इजाज़त है कि मैं सलमा जी को यहाँ पे बुलाऊँ? और प्लीज़ उन्होंने अपने अपनी उम्र के 25 साल कम्युनिटी को दिए हैं, कम्युनिटी के वेलबींग के लिए और सबके लिए उन्होंने काम किया है। सो आज जो कुछ हो रहा है वो उसके हकदार वही है। सो ये सब बिल्कुल आप भी बोले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपने इतने वर्षों तक काम किया है सभी के लिए। नमस्ते, मेरा नाम सलमा है, मैं किन्नर माँ की संचालिका हूँ और मुंबई डीएलएस की ओल्ड कोर्ट की पैनल जस्टिस भी हूँ सोशल डिपार्टमेंट से। और ये जो अभी आपने वीडियो देखा था यहाँ पर, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन किन्नर माँ में ही हेल्थ कैंप हुआ था CPAA के साथ में, और उन्होंने भी बहुत अच्छे से हमारे किन्नरों को बहुत अच्छे से उनके डॉक्टर ने ट्रीट किया था। और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे समाज के लोग आज खुल के आ रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज अब जागरूक हो गया है। अब हमारे समाज को अधिकारों से वंचित रखे हुए बहुत साल हो गए हैं, देश स्वतंत्र हो के 70 वर्ष हो गए हैं। तो वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स एंड देयर इज अवर ह्यूमन राइट्स। तो हमारे मूलभूत अधिकार और मौलिक अधिकारों को लेकर किन्नर माँ हमारे फंडामेंटल राइट्स पर काम करती है और आगे भी करती रहेगी। उनके हकों की लड़ाई के लिए लड़ी है, आगे भी लड़ेगी और हमेशा लड़ती रहेगी। धन्यवाद।